मैं अपने जहनों को, अपनी जिंदगियों को, अपने बदलों को, अपने ध्यान और ज्ञान को खुदावंद की तरफ मसूर जाता है। पूरा हफ्ता हम बिजी रहते हैं, ये कहा वो कहा, ये रह गया वो रह गया। लेकिन याद रखिए, पिछले हफ्ते हमने बड़ा अच्छा काम किया, याद करके तू एक दिन खुदा ने मकरर किया है कि हम उसकी हजूरी में हाजिर हों और हम उसके नाम को जलाल दें और उसकी तारीफ और तमजीद करें। सीखें, सुने, जो कोई हमसे खुदा ने फरमाया है वो अपने बंदों की मार्फत हमसे बयान करता है। बड़ी बख्शिश, बहुत सी किताबें हैं दुनिया में, बहुत से अलूम हैं दुनिया में, बहुत से बड़े बड़े अलूम और क्या कहते हैं ये इल्मदार लोग मौजूद हैं, लेकिन याद रखे कि एक ही किताब है जो जिंदा किताब और सच्ची किताब है। कोई और किताब है? नो। हाल ही में हम देख रहे हैं मुल्कों में क्या हाल हाल हवाल हो रहे हैं, मारा मारी 300-400 साल। आखिर जमाने में क्या लिखा हुआ है? बुरे दिन आएंगे, बुरे दिन आएंगे। कभी ना सोचे कि सुकून आ जाए, वो पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, बांग्लादेश हो या कोई और हो, आखिर जमाने में क्या होगा? बुरे दिन आएंगे, बुरे दिन आएंगे। लेकिन बुरे दिनों के लिए हमें कायम होता है, बस हिम्मत नहीं हो जाना, सोचना नहीं कि बनेगा क्या होने वाला है। आपको इस किताब ने बहुत पहले से बता दिया, बताया है, अगाई दी है। ये हमारा किताब जो हमें सिखाता है। बहुत लोग परेशान है आज भी, आपको याद है पिछले दिनों में ईरान में क्या हुआ, क्या हुआ? इस्माइल नहीं जी, एक बहुत ही अजीब काम हुआ है, बहुत तस्वीर, बहुत तस्वीर अपने शिक्षकों के साथ मेहरबानियां कर रहे थे, वो दिमाग रोडों पर लगा दिया गया, रोडों पर ओलंपिक में हुआ। नहीं 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 नहीं, मसीहियत अभी की बात है, अभी की बात है। तस्वीर आपने देखी है ना, खुदा के अपने शिक्षकों के साथ बैठे हुए आखिरी फसापा, वही तस्वीर है, कोई और तब्दील नहीं की उन्होंने, वही तस्वीर ईरान में साइन बोर्डों पर, रोडों पर और बहुत जगहों पर लगा दी गई, मसीहत के साथ अपनी मोहब्बत को जाहिर करने के लिए। आखिर जमाने में हर एक जबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदा है। मार देंगे इसराइल को, उड़ा देंगे इसराइल को, सफाई हस्ती से खत्म कर देंगे इसराइल को। आज भी लगे होंगे, हमने ये बदला लेके ले छोड़ना है। जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने वो क्या नाम किया, सामा बिन लादेन, इस्माइल हानिया, हमने उसका बदला लेना है इसराइल। और दूसरी तरफ यीशु मसीह के पोस्टर लगाते हैं मोहब्बत के, जानते हैं पाकिस्तान में भी आज बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। 2030 तक चाइना में सबसे ज्यादा मसीह नजर आएंगे आप। बाइबल की पेशन गोइया, बाइबल का एक एक लफ्ज पूरा हो रहा है। लोग आखिर जमाने में यीशु का इकरार, हर एक जमान इकरार करे यीशु ही खुदा है। इसीलिए शायद देर हो रही है, शायद अभी चाइना में कन्वर्जन हो रही है, कभी किसी और मुल्क में कन्वर्जन हो रही है। आपको पता सबसे ज्यादा मुस्लिम कितने थे इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया बहुत बड़ा मुस्लिम ममालिक था, लेकिन आज जाके वहां पर देखें कि बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, मसीह हैं। द नेम ऑफ जीसस, द नेम ऑफ जीसस।
हर एक बच्चन की जिंदगी में उतरता जा रहा है। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा था, वो जानता था मैं 3.5 साल तक शिक्षकों के साथ रहा हूं, लेकिन ये आज भी कमजोर हैं। कमजोर थे समझने में क्या हुआ, पतरस ने तलवार निकाल दी, फटाफट क्या हुआ, कितनी देर रहा, बहुत जल्दी हार के सारे वह एक शागिर्द था जो उसी के साथ पड़ रहा कलाम खुदा का बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। बाइबल हर जगह पर पहुंच चुकी है, हर जमान में लिखी गई है, लोग जानते हैं कि यीशु ही खुदावंद है, जिंदगी है तो यीशु मसीह ने क्या कहा है, जिंदगी मैं, हकीकी जिंदगी मैं, जिंदगी की रोटी मैं। इसलिए बात दौड़ कर रहे हैं जिंदगी की, इसके लिए याद करें जिंदगी कैसे चल रही है, कैसे चल रही है जी जिंदगी। गाड़ी में जो पेट्रोल डालते हैं, फोन में भी मैं ये बैटरी निकाल दूं तो बंद हो जाएगा। जिंदगी कैसे चल रही है जी, अभी भी यार कौन सी जिंदगी आपके दिल की धड़कन से चल रही है, कोई बैटरी लगी है सर लगे ने, ये खुदा की सबसे बड़ी नेमत है जो आपकी जिंदगी में है। योर हार्ट, अनफुआ में हम रहते थे तो वहां हमारे सामने एक फैमिली थी, डॉक्टर ऑपरेशन हुआ हुआ था और उसको बैटरी लगाई गई थी, बैटरी से चल रहा था, चंद साल रहा, आप अपनी जिंदगी को बैटरी से नहीं चला सकते, आप अपनी जिंदगी को सेल से नहीं चला सकते। अभी ये सेल खत्म हो गया था, हम बच्चे गए पहले सेल लेके आए तो ये चल रहा है, अभी निकाल दूंगा फिर खत्म हो जाएगा, फिर मुझे गला फाड़ना पड़ेगा। खुदा ने गला भी सिल दिया, देश कीमत है सोचा करेगा चल फिर रहा हूं दोस्त, पहले ब्लड प्रेशर का अटैक था, मैं भी चल फिर सकता था, परेशान था मैं, गया पापा दान ने जिंदगी आपको दी है किसी मकसद के लिए, ये दिल दिया है अपने पूरे दिल और अपनी पूरी जान और अपनी पूरी क्या घर अपने क्या कहा, अभी आपने यीशु में गया था क्या कहा है ना, बोले ना बोला मशीन में वहां से मांगे जहां से आपको उम्मीद है कि आपको मिल जाएगा। उसने कहा है, कहा है कि नहीं कहा, कहा है, क्या है, मांगो जो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो मिल जाएगा। सबूर 121 निकाल दे, मम्मे तो शर्मा ले और कमा तो नहीं शर्मा, यीशु को लोग तो शर्मा ले। याद रखे जिंदगी बड़ी कीमती जिंदगी है, 70 बरे 80 बरे आकर नो बना ना होना नहीं, आखिर के बाद भी मैं फना नहीं होना चाहता, मैं हमेशा की जिंदगी चाहता हूं, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। आमीन। 121
मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा जी। मेरी कुम्भक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्भक खुदावन से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मेरी कुम्भक कहाँ से आएगी? वहां से बादशाह भी मांगते हैं, फकीर भी मांगता है, गरीब भी मांगता है, अमीर भी वहीं से मांगता है। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ बैठाऊंगा, मेरी उम्मत कहां से आए? मेरी उम्मत कहां? उम्मत का क्या मतलब है? मदद। मेरी मदद कहां से आएगी? मांगना दे तू मैं दुआ दे तू चुप ना हो तू जा खुदा से मांगना जिंदगी मांगे खुदा से, तंदुरुस्ती मांगे खुदा से, सलामती मांगे खुदा से, अपने खानदान के लिए खुशहाली मांगे खुदा से, खुदा से रूहानियत मांगे, खुदा से मदद मांगे कि आए खुदावन मेरी मदद कर, मैं कमजोर हूं। उसी खुदावन ने जाते हुए क्या कहा था शिकर को? जानता था ये कमजोर है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जो कुछ इन्होंने 3.5 साल में सीखा है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। 4 साल 3 साल सेमिनरी कॉलेज कुछ नहीं होता। मुझे याद है जब मैंने सेमिनरी खत्म की, कॉलेज अपना खत्म किया, मारी सेमिनरी भी है कॉलेज भी है, ग्रेजुएट होकर मैं निकला तो मुझे गांव में भेज दिया गया पकड़ के। आप जानते हैं मैं इतना कलाम से वाकिफ नहीं था क्योंकि कॉलेज स्कूल में हम बस लिखते हैं पास हो हुआ, लेकिन तजर्बा कलाम का आपको फील्ड में आता है। वहां एक एंडर साहब थे गांव से मुझे इब्तदा करना पड़ी। मैं ग्रेजुएट होकर उनके लिए झुका देता था, स्कूल भी पढ़ाना है आपने, टीचिंग भी करनी है, प्रीचिंग भी करनी है। जब तक हम दुआ नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं। आयो कल कमाल की किताब मसीह खुदावन ने हमने बड़ा ये मैसेज सुना था, बहुत सब जो आए थे क्या नाम था जी सिखाया, पहले सिखाया पहले किया, पहले किया और फिर सिखाया, पहले करें, पहले करेंगे और फिर लोगों को सिखाए। झुक जाए दुआ करें आप दुआ करना सीखे फिर लोगों को सिखाएं, आप कलाम करना सीखे फिर लोगों को सिखाएं, ताकि दिखाएं चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। इन चीजों पर बहुत रोजमर्रा की चीजें हमारी जिंदगी। मेरी कुम्मत कहां से आई? दानियल की किताब में दोस्त बादशाह का जिक्र आएंगे जरा वहां पर। तीसरा बाब है दानियल का, शद्रख मेशक और अब्देनेगो के बारे में। दानियल कौन सा बाब है? तीसरा बाब। शद्रख मेशक और अब्देनेगो और दानियल, ये 4 लोग नौजवान कौम इसराइल से असीर होके कैदी जैसे मिले, ये बाबल में आए थे। जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने बाबल ने इसराइल को फतह किया और उसे बहुत सारे लोगों को अपने साथ ले आया था, और उनमें ये 4 शख्स भी थे, देखने के लिए खूबसूरत, अकलमंद, समझदार, और बादशाह की कैबिनेट में जो वजीर था उसने इन 4 को चुन लिया। ये बादशाह की कैबिनेट में होंगे, हुकूमत में शामिल होंगे, क्योंकि ये दिखने में और अकल और दनाई से क्या लगते हैं,
मामूल है, लेकिन याद रखें कि वो सबसे बढ़ के उनमें ये खूबी थी कि उनमें अल्लाह की रूह कुवत दबा दो थे, आबादन करने वाले लोग थे, प्रस्ताव थे। वक्त आया एक बादशाह मुखावा के मुल्क सब मुल्क में ऐलान कर दिया गया कि इस ख्वाब का मतलब बताया जाए। बादशाह बड़ा परेशान था, ख्वाब भी बताए और इसका मतलब भी बताए, कौन बताएगा? पूरे उसके फारगीर नजोमी पूरी तरह कर इकट्ठे हो गए, और अगर नहीं बताया तो क्या होगा? सबको कत्ल कर दिया जाए। दानियल उसके साथी चुके और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें थोड़ा मौका दिया जाए ताकि तमाम लोग हलाक न हों। कौन गया बादशाह के सामने? दानियल, जिसने अल्लाह की कुव्वत और अल्लाह की रूह बादशाह को ख्वाब का मतलब भी बताया, ख्वाब भी बताया, और वही बादशाह फिर तकब्बर में आ गया, गरूर में आ गया, और वही मूर्ख बना डाली और हुक्म दिया कि इसको क्या किया जाए? सजदा किया जाए। वो ख्वाब का मतलब तो ना सही तरह से मतलब क्या चार पंक्तियों का जिक्र उसने दिलाए। बात करने वाली इसमें यह जरूरी है कि सब्र वो भी यहां थे, हर रोज दुआ करते थे खुदा, खुदा के बेटे, खुदा की प्रस्तुत करने वाले, खुदा के नाम को जलाल देने वाले। बादशाह ने हुक्म दिया कि ये मूर्ति किया की जाए, और सारी सल्तनत इसे क्या करे? सजदा करे। देखिएगा मेरी तुम कहां से आए थे, कौन मुझे बचाएगा, कौन मुझे छुड़ाएगा? मूर्ख बन गई, जो ना सजदा करेगा उसे क्या किया जाएगा? भट्टियां बना दी गई, आग जला दी गई, उनमें फेंक दिया गया। सिलसिला शुरू हो गया, सजदा नकारे बाजे जो सतार बड़बते बजना शुरू हो गए, और लोगों ने सजदा किया, फिर मजने शुरू हो गए। पूरे थी उस जगह में उस मैदान में तीन शख्स खड़े थे, कितने शख्स खड़े थे? वो खड़े थे। अच्छा मैंने पता हाथ लगा जाओगे, भरे जाओगे, मेरी उम्मत कहां से आएगी? बादशाह के सामने उन्हें पेश कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, हम ये मुनासिब नहीं समझते कि तुझे इसका जवाब। फिर मौका एक और दिया गया, वो खड़े बादशाह ऐश में आ, क्या कहा उसने? सात गुना आग और तेज कर दी जाए। याद रखे अजीम खुदा है, और क्या उन्होंने कहा था? जिस खुदा की हम प्रस्तुत करते हैं वो हमें बचाने की रखता है। मेरी कुम्मत कहां से आए? उठाया उनको, फेंक दिया, क्या हुआ? जल गए, मर गए? वो आग में भी सलामत थे, लेकिन बादशाह ने जब गौर से देखा तो वहां तीन की बजाय सुठे तीन दे हो गए। कौन था चौथा? मेरी कुम्मत कहां से आएगी? आसमान से कुम्मत उतर आए, आसमान से यसु मसीह वहां आ मौजूद हुए। उसने उन्होंने बड़े धक्का के कहा था, जिस खुदा की हम प्रस्तुत करते हैं वो हमें बचाने की कुदरत रखता है। मेरी कुम्मत कहां से? बात कर देखो खुदावन कैसा मेरा। कहता है
कौन सा होगा जिसने आसमान और जमीन को बनाया? दादा उसने बनाया था yes. और जमीन पर जमीन बनान और संसार और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्मश करती थी और और क्या हुआ जमीन ये वही होगा इसने आसमान और जमीन को बनाया। रबूल 123 की पहली आयत आज पहली और दूसरी आयत। तू जो आसमान पर तख्त नशीन है मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। तू जो आसमान पर कहा है आसमान पर तख्त नशीन है और मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ, इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ यानी बुलंदियों की तरफ उठाता हूँ। देख जिस तरह गुलामों की आंखें अपने जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ अपने आका के हाथ की तरफ रहती है। गुलाम कहाँ देखता है? अपने आका के हाथ की तरफ। कुछ मिलने वाला कुछ मिल जाएगा कुछ भी मिल जाएगा। और बीबी आगे आगे लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती है। इसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी है। इसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा खुदा की तरफ लगी है। जब तक हमारी आंखें इसी तरह लगी रहती हम भी जोर से अरे फखर के साथ कह रहेंगे किस खुदा की हम प्रस्तुति करते हैं, जिस खुदा से हम इबादत करते हैं, जिस खुदा के सामने हम झुकते हैं वो हमें बचाने की कुदरत। इसी तरह दानियल के खिलाफ बगावत हो गई, उसके गुजरा क्योंकि वो सबसे बड़ा वजीर था, उसके गुजरा उसके खिलाफ हो गए। वहां भी यही ड्रामा किया गया, क्या बादशाह लोग तेरी इबादत करें, कुछ से दुआ करें। दानियल किससे दुआ करता है? वो अपनी खिड़की खोल दी, छुप के नहीं बल्कि खिड़की मेरी गुम्बक कहां से आए? मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। दानियल ने खिड़की बंद नहीं की, उसकी निगाहें खुदावन की तरफ रहती थी। अमर आ गई, बादशाह ने स्तंभ कर दिया। जो कोई किसी और मबूद की दुआ करेगा क्या करेगा? शेरों की मांग में डाल दिया जाएगा। आशा नहीं चाहता बादशाह को पता चला ये दानियल के खिलाफ मनसूबा दानियल के खिलाफ बनाया गया है। दानियल अपने दानियल के साथ शेरों की मान में डाल दिया गया। बादशाह रात पूरी सोया नहीं, देखा उसने फाके में रात गुजारी और सुबह होते ही शेरों की मान पर गया और क्या कहा उसने? दानियल जिस खुदा की तू इबादत करता है उसने तुझे बचाया छुड़ाया। आए दानियल जिस खुदा की तू इबादत करता है क्या उसने तुझे बचाया? उसने आवाज आए बादशाह जिस खुदा की मैं इबादत करता हूं, जिस खुदा से मैं दुआ करता हूं उसने वो मुझे बचाने की कुदरत। हमारा खुदा अजीम होता है, हमारा बाप अजीम होता है। उससे मांगे वो शेरों की मांग से भी आपको निकाल देगा, वो जलती भट्टियों से भी आपको निकाल देगा, वो आपको मुसीबतों से निकाल देगा, बीमारियों से शफा देगा, तंदुरुस्ती बख्शेगा। लेकर मांगे मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मैं अपना ध्यान किसकी तरफ लगाऊंगा? खुदावन की तरफ लगाऊंगा। बुलंदियों पर मेरा खुदावन मौजूद है। आज वो पानी की सतह पर जुम्बश नहीं कर रहा, दिखा है कि वो आसमान पर तख्त नशीन है। दोबारा ये तो याद रखें
मैंने पहले कहा था वो आज करीब है, आज करीब है। आज हमारे पास अभी भी वक्त है, हम अपने खुदा को पुकारे, दुआ में रहे, ईमान में मजबूत हो, ऐलान इकरार कर सकता है यीशु मसीह खुदावंद का कि वो एक मोहब्बत देने वाला पैगंबर था। जो कुछ भी वो समझते हैं, उसने मोहब्बत का पैगाम दिया। खुदा मोहब्बत है, अपने जिंदगी और क्यामत है, और जो भी बर्दाश्त करेगा वो आखिर तक आखिर में क्या करेगा? काली जिंदगी दी है, मैं इसलिए नहीं दी क्या चोरी उतारी शराब नशा नाच रंग इसलिए नहीं दी गई। खुदा चाहता है क्या मुझसे, खुदा चाहता है क्या तो बाकर तो बाकर और जू जाओ हम बार बार सोचते बड़ी देर हो गई हमसे खुदा मुझे आए काम मंगा रहे ये भी कर दे वो भी कर दे, लेकिन याद रखे यीशु ही खुदा। हर एक जबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदा है। आए अपने कदमों पर खड़े हो।